दोस्तों, मैं हूं अभिषेक गैजेट यूज से और यहां पे हैं हम लोग मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2019 में। और मुझे नहीं पता था कि 2019 में इतना सब कुछ हो जाएगा कि हमें एक फ़ोन मिल जाएगा और वो भी एनर्जाइज़र की तरफ से, और जिसमें होगी 18,000 mAh बैटरी। जी हाँ, 18,000 mAh बैटरी, बिल्कुल सही सुना आपने, 1800 नहीं 18,000। और जब इतनी बड़ी बैटरी फ़ोन में डाली जाएगी तो फ़ोन तो मोटा हो ही जाएगा ना। तो ये है एनर्जाइज़र की तरफ से 18,000 mAh बैटरी वाला फ़ोन। ऑलमोस्ट दो इंच की मोटाई है ऑलमोस्ट इस फ़ोन की, 1.8 आप मान के चल सकते हैं अगर हम बात करें। और काफ़ी थिक है ये फ़ोन, और यहाँ पे आप एजिस पे देख सकते हैं कि इसमें मेटल है। तो यहाँ पे आपको मेटल मिलता है इसमें, जिसके थ्रू इसकी बैटरी को बेसिकली फटने से बचाया जाता है। और ये डमी नहीं है इस बार, पिछले साल जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे हमें एक डमी देखने को मिला था, लेकिन इस बार ये एक्चुअल फ़ोन है। और इसमें आपको 2.5D कर्व ग्लास भी मिल रहा है, और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का यहाँ पे ये फ़ोन है। इसको प्रॉपर आप यूज़ कर सकते हैं, और आप इसका कैमरा भी लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अंदर बार करके थोड़ा उसका कैमरा ख़राब कर दिया है। तो कैमरा इज़ नॉट कमिंग आउट, लेकिन उसका शॉट आप देख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे फ़ोन के अंदर कैमरा उसी तरह से निकलता है। तो बेसिकली धीरे से ऊपर की तरफ कैमरा आ जाता है। कि यहाँ पे 6.2 इंच का डिस्प्ले है, इसकी स्पेसिफिकेशन इतनी कमाल की है, मतलब 6.2 इंच का डिस्प्ले है, 128 GB की स्टोरेज है, और साथ में आपको 6 GB की रैम मिल रही है इस फ़ोन के अंदर। थिकनेस देखो कितनी ज़्यादा थिकनेस है इस फ़ोन की, डेफिनेटली इतनी बड़ी बैटरी के साथ फ़ोन तो मोटा हो ही जाएगा। और इस फ़ोन को आप चाहें तो यूज़ भी कर सकते हैं, और चाहें तो पत्थर की तरह किसी का सर भी फोड़ सकते हैं, जो कि आप मत करना, मतलब वो तो मैंने मजाक में कहा है। अगर मैं बाकी और चीज़ें बताऊं तो यहाँ पे पीछे की तरफ आपको ग्लास बैक जो है मिल रहा है यहाँ पे, और ये डेफिनेटली बड़ा ही अट्रैक्टिव बना देता है इस फ़ोन को। तो काफ़ी लुक एंड फील अच्छी है पीछे से। तो एक्चुअली में मोटा फ़ोन ज़रूर है, लेकिन एक्चुअली में ये फ़ोन है तो बढ़िया, मतलब लुक एंड फील में तो मस्त बनाया इन्होंने। और ग्लास के राउंड यहाँ पे आपको ब्लैक बेजल जो है मिल जाता है। अब दिखाते हैं इंटरफेस को, जिस तरह का यहाँ पे इंटरफेस है आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह में जाएंगे हम, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉयड जो है ये फ़ोन दिया गया है। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं एक्स्ट्रा चीज़ें। एंड अगेन अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो मीडियाटेक का P70 इसमें मिल रहा है, मीडियाटेक का P70, जो कि एक पावरफुल प्रोसेसर जो है माना जाता है। 4G वोल्टी का सपोर्ट दिया गया है, 18,000 mAh बैटरी है, पॉपअप सेल्फी कैमरा है। और कैमरा की बात करूं तो यहां पे 16+2 MP का सेल्फी कैमरा आपको मिल रहा है, और रियर कैमरा यहां पे ट्रिपल है, तो ट्रिपल रियर कैमराज हैं, 12+5+2 MP। कैमरा के बारे में दिखा देते हैं कि कुछ इस तरह से, इसका फ्रंट कैमरा तो चल नहीं रहा है क्योंकि वो सेल्फी वाला जो है बटन बंद हो गया है, लेकिन जो रियर कैमरा है वो भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की क्लैरिटी आपको रियर कैमरा से मिल जाती है। और ये एक और फ़ोटो है जो कि इसके रियर कैमरा से कैप्चर हुई है, दोनों ही फ़ोटो अच्छी आ गई हैं। तो डिवाइस तो मुझे लग रहा है कि कैमरा में भी सही है, प्रोसेसर में भी सही है, बैटरी में भी सही है। फाइनली एक ऐसा फ़ोन जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है जो भी आपको चाहिए, और साथ ही साथ एंड्रॉयड पाई भी इसमें आपको मिल रहा है। और ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि ये फ़ोन डेफिनेटली बिल्कुल अलग तरह का फ़ोन है, इस तरह का फ़ोन मैंने अभी तक तो कहीं नहीं देखा था, और ये डेफिनेटली काफ़ी इम्प्रेसिव है। ओवरऑल फीचर्स वाइज इतनी बड़ी बैटरी वाला फ़ोन मैंने आज तक कभी नहीं देखा, और एनर्जाइज़र ने फाइनली बना दिया ये फ़ोन। अब देखते हैं ये इंडिया आता ही नहीं आता है, इसका रिव्यू हम कर पाते वो तो समय के साथ पता चलेगा। यहाँ पर बटन जो है वो मेटल के दिए गए हैं, इस तरफ आपको सिम ट्रे मिल जाती है। एंड अगेन ये डुअल सिम फ़ोन भी है, नीचे USB-C पोर्ट है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाउड स्पीकर मिल जाता है, और ऊपर की तरफ आपको कैमरा मिल जाता है, यहाँ पे भी मेटल है, और पीछे की तरफ यहाँ पे ग्लास मिलता है। तो ओवरऑल दिस लुक्स लाइक अ वेरी इंप्रेसिव फ़ोन, एंड अगेन ये इंडिया में जल्द ही आना चाहिए, आई थिंक बहुत सारे लोग इस फ़ोन को लेना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।